दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 20 बीमारी के बारे में, तो इस वीडियो को बिगड़ भगाए हुए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कब बीमारी हो जाएगी, कब आदमी भटक जाएगा। तो चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, रात में जगने के लिए हाथ में कौन सा चीज़ जरूर होना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, रात में जगने के लिए हाथ में टॉर्च या बत्ती जरूर होना चाहिए, नहीं तो हाथ पांव में ठेस लगने के कारण आदमी गिर जाता है और मुंह हाथ जो है वो फूट जाता है, इसीलिए जरूर रखें। सवाल नंबर दो, दूध में कौन सा चीज नहीं डालने से पेट में पीने के बाद दूध गैस बनने लगता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, चीनी और इलायची नहीं डालने से पेट में जो है वो गैस बनने लगता है दूध से, यानी आजकल के दूध जो है वो खाद खड़ी पे उपजाई जाती है, इसीलिए चीनी जरूर डालें। सवाल नंबर तीन, खाना में नींबू किस महीने में जरूर खाना चाहिए कि पेट की बीमारी जो है वो बिल्कुल ना हो। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है, गर्मियों के मौसम में खाना में नींबू जरूर गाड़कर खाना चाहिए, इसमें अनाज के गर्मी जो है वो काट देता है, तो बीमारी कभी पेट में नहीं होती है। दोस्तों सवाल नंबर चार, अंतरी में कचरा क्यों जम जाता है। दोस्त नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, महीना में कम से कम ना मिले तो दही कम से कम दो बार जरूर खाना चाहिए, इससे अंतरी में जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है, जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं को कचरा जम जाता है। सवाल नंबर पाँच, किडनी क्यों फेल हो जाता है किसी भी समय और कहीं पर भी। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन नमक जो है खाना में जो लोग खाते हैं उनकी किडनी जो है वो फेल हो जाती है और लकवा और फालिस की भी बीमारी होने की संभावना बना रहता है। सवाल नंबर छः, नींबू पानी और चीनी मिलाकर पीने से क्या फ़ायदा शरीर में मिलती है। दोस्तों जानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, शरीर में खून की कमी नहीं होती है चीनी पानी नींबू पीने से, गर्मियों के मौसम में जरूर पीना चाहिए, ठंडी के मौसम में पीने से शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल ना पिए। सवाल नंबर सात, खून पानी क्यों बन जाता है। दोस्तों हम लोगों की शरीर में खून होती है वो पानी कब बन जाता है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज़्यादा नमक खाने से और चीनी खाने से खून जो है वो पानी हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए आयोडीन और ज़्यादा चीनी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पानी बन जाता है। सवाल नंबर आठ, कमज़ोर लोगों को रोज क्या खाना में खाना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, कमज़ोर आदमी को जिनकी शरीर कमज़ोर हो गई है उनको दूध जो है वो रात में जरूर खाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके और इलायची डाल दें तो और अच्छा है। सवाल नंबर नौ, बारिश के मौसम में लकवा के रोग क्यों हो जाता है शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, किसी किसी आदमी के घर में छतरी नहीं हो रहती है, उस समय लेटिंग या पेशाब जाते वक्त लेट हो जाता है, उसी समय लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है, इसीलिए छतरी घर में जरूर रखें। सवाल नंबर दस, बाजार का सब्जी कब हानि करने लगता है हम लोगों को पेट में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बीमारी से बचने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है, जब हम लोग अच्छी तरह से धो करके सब्जी नहीं बनाते हैं उसी समय जो है वो बीमारी पैदा होने की संभावना बना रहता है, इसीलिए सब्जी कोई भी लाएं बाजार से तो धो करके ही बनाएं। सवाल नंबर ग्यारह, टमाटर खाने से क्या क्या फायदा शरीर में मिलता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा।
दोस्तों इसका सही आंसर है हड्डी मजबूत रहता है, दांत मजबूत रहता है और दाद खाज खुजली की बीमारी नहीं होती है, इसीलिए टमाटर जो है वो खूब खाना चाहिए, लेकिन कच्चा टमाटर जो है वो कम खाना चाहिए और पका टमाटर सब्जी में डाल करके खाना चाहिए। खाली पेट खाने से टमाटर जो है वो पथरी बनने की संभावना पेट में रहता है। सवाल नंबर 12, यात्रा पर क्या खाकर कहीं पर भी जाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है कहीं पर भी आपको यात्रा पर जाना है या यात्रा पर जाना है तो दही चीनी खाकर जरूर जाना चाहिए, उससे आने वाला संकट जो है वो मिट जाता है और कोई बीमारी भी नहीं होती है। सवाल नंबर 13, नारियल किसको ज्यादा खाना चाहिए फायदा के लिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है औरत लोगों को ज्यादा खाना चाहिए सूखा जो नारियल है बारा वाला, उससे शरीर जो है वो अच्छा बन करके रहता है और कोई प्रकार की बीमारी दाग धब्बे नहीं होती है। सवाल नंबर 14, काजू कब खाना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काजू खाने से क्या क्या फायदा मिलती है? दोस्तों इसका सही आंसर है जब पूरा शरीर कमजोर हो जाता है तब आदमी जो है वो काजू खाना पसंद करते हैं, इसीलिए शुरू से ही काजू खाना एक जरूर खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 15, जिनको ज्यादा नींद लगती हो उनको क्या खाना में खाना चाहिए नींद कम लगने के लिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है जिन लोगों को ज्यादा नींद लगती है उनको खाना में जो है वो भात खूब खाना चाहिए, भात खाने से नींद जो है वो कम लगेगी और सेहत भी अच्छा रहेगा और आंखों की रोशनी जो है वो बना रहेगा। सवाल नंबर 16, बुखार कब लगता है बार बार किसी भी आदमी को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे बीमारी के बारे में। दोस्तों इसका सही आंसर है जो आदमी करेला का सब्जी नहीं खाते हैं कड़वी लगने के चलते उनको बार बार बुखार लगता है और शुगर भी होता है और दाद खाज खुजली की बीमारी होती रहती है, इसीलिए दोस्तों करेला ज्यादा से ज्यादा खाइए कि बीमारी मिट जाए। सवाल नंबर 17, मेहमान को अनादर करने पर घर में क्या होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है और अनराज हो करके चली जाती है, फिर दोबारा लौट कर नहीं आती है, इसीलिए किसी भी मेहमान को अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान आए तो उसको अच्छा से खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उसको सेवा जो है वो पूरा अच्छी तरह से और सुंदर करना चाहिए, मेहमान का जो आदर भाव होता है वो उचित कर देना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 18, घर में रोज नियम से पूजा पाठ करने से क्या फायदा मिलता है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है रोज पूजा पाठ करने वाले घर में धन की कमी नहीं होती है और पैसे की कमी कभी नहीं होती है, इसीलिए रोज नहा धोवा करके अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और मिठाई चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं तो आपके घर में बरकत होगी। सवाल नंबर 19, किसको स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है जो लोग सुंदर रास्ता एक दूसरे को दिखाते हैं उनको स्वर्ग मार्ग मिलता है, यानी स्वर्ग जाने की रास्ता पूरा खुलम खुला मिलता है, भूत प्रेत से उनको कोई भेंट मुलाकात नहीं होती है, इसीलिए दूसरे को अच्छा से अच्छा रास्ता दिखाएं और दूसरे लोगों की सहायता जो है वो जितना हो सके उतना करना चाहिए और काम जो है वो अच्छा करना चाहिए दोस्तों कि स्वर्ग का रास्ता प्राप्त हो जाए दोस्तों। सवाल नंबर 20, बांदा गोभी की सब्जी खाने से क्या क्या फायदा मिलता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बीमारी से बचने के लिए मेरे दोस्त।
दोस्तों इसका सही आंसर है बंदा गोभी की सब्जी खाने से खून की कमी शरीर में कभी नहीं होती है, और लीवर जो है वो कभी खराब नहीं होता है, और अंतड़ी में रेशा जो है वो बिल्कुल अच्छा बन करके रहता है, और जो रेशा खत्म होने वाला रहता है वो बिल्कुल अच्छा बनने लगता है, और अस्थमा की बीमारी नहीं होती है कभी भूल करके भी, और अस्थमा वाले रोगियों को जो है वो पत्ता गोभी जो है वो खूब खाना चाहिए। इससे अस्थमा की रोकथाम रहती है और अस्थमा की बीमारी जड़ से मिट जाती है हमेशा के लिए। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग बीमारी से बचना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम वीडियो बना करके आप लोगों के लिए सही मौके पर आपको देंगे। दोस्तों मैं माता दुर्गा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी रहें बने रहें सुख शांति से रहें। थैंक यू मेरे भाइयों।